हेलो एवरीवन, आज हम एक इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको और मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी हैं। आज की हमारी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सबके लिए है, बच्चे बूढ़ों और बड़ों के लिए। वैसे जितनी भी मेरी वीडियोस है चैनल पे वो सबके लिए होती है। तो हमारी कहानी का नाम है तोड़ना आसान जोड़ना मुश्किल। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में युद्ध, संघर्ष, विध्वंस का दौर जारी है। लोगों के दिलों से नफरत निकालना और उनके दिलों को जोड़ना सचमुच बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में बुद्ध की शिक्षा ही मनुष्य को बचा सकती है। एक डाकू था अंगुलीमाल। जो भी उसके इलाके से गुजरता था उसे वह मारकर उसकी अंगुलियां की माला पहनता था। उसने कसम खाई थी 100 लोगों की उंगलियां की माला पहनने की। 99 पूरे हो चुके थे। गौतम बुद्ध उसके रास्ते से गुजरते थे। उंगली माल ने दूर से ही बुद्ध को आते देखा। सोचने लगा, 100वां आदमी मारकर आज मेरी कसम पूरी होगी। लेकिन बुद्ध के सुंदर मुख को देखकर उसने कहा, रेशमर, तुझे जान की परवाह नहीं। क्या तुझे मालूम नहीं यह उंगली मान का क्षेत्र है। मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अकेले और निहत्थे हो। तुम्हें देखकर मेरा विचार बदल गया है। मैं फिर किसी दिन 100 पूरे कर लूंगा। भगवान बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, हम तो अपने रास्ते पर हैं। तुम सोचो, तुम्हें अपनी कसम पूरी करनी है तो करो। बुद्ध की इस बात पर अंगुलीमाल हैरान होकर सोच में पड़ गया। तब बुद्ध बोले, अंगुलीमान, अच्छा बताओ, तुम्हारी इस तलवार से कुछ इस वृक्ष की डाल को काट सकते हो? अंगुलीमान ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। अंगुलीमान से एक ही झटके से वृक्ष की डाल को काट कर रख दिया। तब बुद्ध बोले, अच्छा, अब इस डाल को पुनः जोड़ सकते हो? यह सुनकर अंगुलीमान बोला, यह असंभव है। तब बुद्ध ने कहा, अंगुलीमान, काटना आसान है लेकिन जोड़ना मुश्किल। हम जोड़ने का काम करते हैं, काटने का नहीं। तुम जो काम करते हो वह कोई बच्चा भी कर सकता है। अंगुलीमान पर बुद्ध की बातों का असर गहरा पड़ा। उसने अपनी तलवार व हथियार फेंक दिए और प्रवज्जे मांगी। आ भिक्षु कहकर भगवान ने उसे दीक्षा दी। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिंसा करना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को अपना बनाना बहुत ही मुश्किल। किसी भी वस्तु को तोड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। जो व्यक्ति सृजन करता है वह महान है, और जो विध्वंसकर्ता है वह शैतान है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको और मोटिवेशनल स्टोरीज देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सबके लिए है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। और अगर वीडियो लास्ट तक देखी है और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।